हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन योर यूट्यूब चैनल द ब्लॉगर विद कमेंट एक्सपीरियंस। तो हमारी वेब डेवलपमेंट की ट्यूटोरियल चल रही है, जिसके अंदर हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा है कि एरो से लूप का इस्तेमाल कैसे कर लेते हैं, ये सारी चीज़ों को हमने सीखा है। तो आज की वीडियो में जावास्क्रिप्ट के अंदर हम सीखेंगे फंक्शंस के बारे में, फंक्शंस होते कैसे हैं, फंक्शंस को क्रिएट कैसे करते हैं, हम ये सीखने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हम डायरेक्ट हमारे HTML से कैसे ऐड कर सकते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट को, और साथ ही में इनका यूज़ हम कैसे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर करते हैं, ये सब सीखने वाले हैं। तो आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो बिना कोई देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक स्क्रिप्ट को यहाँ पर ऑन करते हैं, ठीक है। और आपको पता ही है कि मैं प्रैक्टिकली ज़्यादा बात करता हूँ, थ्योरी में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता हूँ, इसलिए हम प्रैक्टिकली बात करेंगे कि फंक्शंस होते क्या हैं। आपको बेसिक उसकी जो बातें होगी फंक्शंस की, बेसिक जो हमारी उसकी लाइंस होती है, मतलब कि कहते किसे हैं फंक्शन, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो फंक्शंस का यूज़ क्यों करते हैं, सबसे पहले तो ये बताता हूँ मैं आपको। तो फंक्शन का यूज़ हम करते हैं जब भी हमारे प्रोग्राम के अंदर हम किसी कोड को हमें बार बार यूज़ करना हो तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं, और उस फंक्शन को उस कोड की जगह हम यूज़ कर लेते हैं, जिससे कि हमारा वो जो प्रोग्राम है वो वहाँ पर आकर रन हो जाए। मतलब इससे आपका कोड लिखने का काम बहुत कम हो जाता है, आप अगर फंक्शन का यूज़ करते हैं तो। अभी आपको थ्योरेटिकल इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, बट हम बात करते हैं प्रैक्टिकल करके, ठीक है। तो फंक्शन को क्रिएट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना रहता है, यहाँ पर फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करना रहता है, ठीक है। फंक्शन कीवर्ड का यूज़ किया, उसके बाद आपको जो भी फंक्शन का आपका नाम देना हो, तो जैसे कि मैं यहाँ पर दे देता हूँ माई फोन, ठीक है, ये मेरा फंक्शन का मैंने यहाँ पर नाम दे दिया है। अब इस फंक्शन के अंदर मैं वो करवाना क्या है, वो वेरिएबल के थ्रू मैं यहाँ पर पास करूँगा, उस वैल्यू का यहाँ पर कुछ भी पास करूँगा। तो मान लीजिए मुझे ए और बी का मल्टीप्लिकेशन करवाना है, तो ए और बी यहाँ पर दो मैंने वेरिएबल टाइप कर लिए मेरे। उसके बाद इस फंक्शन की यहाँ पर बॉडी को ओपन करता हूँ मैं, अब यहाँ पर रिटर्न कर लूँगा, ठीक है, रिटर्न ए और जो बी है उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाए जब भी कोई हमारा ये वाला फंक्शन को यहाँ पर कॉल करे, ठीक है, हो गया हमारा। अब बात आती है यार फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे। तो मान लीजिए लेट में कोई वेरिएबल लेता हूँ एक्स, उसमें जो हमारा फंक्शन है उसको यहाँ पर मैं कॉल कर रहा हूँ माई फन नाम से, यहाँ पर मेरा फंक्शन है। अब यार हमने वहाँ पर बोला क्या था कि ए और बी का मल्टीप्लिकेशन हो जाए, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा ए और बी, तो ए और बी की वैल्यू यहाँ पर मैं पास कर दूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कंट्रोल एस करता हूँ और इसका आउटपुट आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब आप बोलेंगे यार आउटपुट तो आई नहीं ना हमारा, कुछ फंक्शन हमने कॉल कर दिया, तो हमने फंक्शन जी ज़रूर कॉल कर दिया है, बट जो हमारा प्रिंट करवाना था एक्स को, उसे काम ने प्रिंट करवाया, तो अब हम उस एक्स को यहाँ पर प्रिंट करवा लेते हैं बहुत आसानी से, कंट्रोल एस किया है। अब देखते हैं, जैसे ही रिफ्रेश करूँगा 20 यहाँ पर आपका आउटपुट आ चुका है, ठीक है। अब मैंने बोला था कि यार एक फंक्शन को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, चाहे कितनी बार भी कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हमने ऊपर यूज़ किया था ना, अब हम इसको यहाँ पर नीचे की साइड यूज़ करते हैं। तो मान लीजिए मैं लेट वाई लेता हूँ, ठीक है, इक्वल टू करता हूँ, और माई फन जो है उसी को हम करेंगे वापस कॉल, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मैं दे रहा हूँ 5 और 7, और वहीं अब इसको वाई को डॉक्यूमेंट और ट्राई करवा लेते हैं, ठीक है। तो अब इसका आउटपुट भी आना चाहिए 35 हमारा, तो ये देख सकते हैं 35 यहाँ पर हमारा आउटपुट आ चुका है। तो कुछ इस तरह से आप फंक्शंस को बहुत ही अच्छे से यूज करके आपको कोड को कम लिख के आपका बहुत सारा काम आसान कर सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे फंक्शंस। तो आज की वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा।